इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन से रिलेटेड अभी एक न्यू प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करने को मिल रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी अपना एक रील अपलोड करने जाते हैं, रील अपलोड करते समय हमको यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो मैं उस प्रॉब्लम को आपको दिखा भी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये रील हम अपलोड कर रहे हैं, इस रील को हम लोग चाहते हैं कि टैग करें किसी को। टैग करने के लिए आपको इनवाइट कोलैबोरेटर अगर करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप लोग अपने फ्रेंड को सर्च करते हो कि अपने फ्रेंड को टैग करेंगे या, तो आपको अपने फ्रेंड पे इस तरीके का यहाँ पे हाईलाइट नहीं देखने को मिलता है। फिर भी अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हो टैग करने के लिए, तो आपको यहाँ पे कैन नॉट टैग एंड उसका यहाँ पे यूजर नेम आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। तो इससे आपको साफ समझ जाना है कि इस रील को हम लोग इसके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं इनके साथ में। अगर किसी के साथ में करना है जो हाईलाइट में दिख रहा है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि इसके साथ क्यों नहीं कर सकते भाई। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि जो भी आप लोग रील इसके साथ शेयर करना चाहते हो इस अकाउंट वाले बंदे के साथ, उस अकाउंट वाले बंदे के पास अभी कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट में नहीं दिख रहा है। अगर इसके पास कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन होगा तो यहाँ पे ये भी हाईलाइट में आ जाएगा एंड आप लोग यहाँ से उसको कोलैबोरेशन इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो जिस भी बंदे का यूजर नेम हाईलाइट में शो नहीं हो रहा, उस बंदे को क्या करना है? तो सबसे पहले उस बंदे को अपना इंस्टाग्राम का क्लियर स्टोरेज कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पर टैप करके रखोगे, ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टोरेज यूजेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ये नहीं करना, जिस भी अकाउंट पे ये हाईलाइट शो नहीं होता है, उस बंदे को आप लोग इस वीडियो को शेयर करके भेज सकते हो एंड इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना इन्वाइट कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन आ जाएगा उसमें, तब आप लोग उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो अगले बंदे को इस वीडियो को आप लोग सेंड करके भेज दीजिएगा ताकि वो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसके साथ आप कोलैबोरेशन कर पाएँ। तो उसको करना क्या होगा, तो उसके बाद आपको क्लियर चेंज करना है एंड आपको क्लियर यहां से चेंज कर देना है, दोनों क्लियर डाटा एंड क्लियर चेंज कर देना है अगर आपका पासवर्ड मालूम होगा तब। अगर पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप लोग इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे। तो आपको इसके बाद करना क्या है, आपको सिंपल से अपने इंस्टाग्राम में फिर से लॉगिन हो जाना है यूजर नेम एंड पासवर्ड देके। अगर इस ट्रिक से आपका यहाँ पे काम नहीं होता है तो अगला ट्रिक में आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को सिंपल से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने पे आपको यहाँ पे वीटा वर्जन ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आप लोग यहाँ से वीटा वर्जन को ज्वाइन कर लोगे। अब इसके बाद फिर भी आपका नहीं होता है तो अब आपको लास्ट पोजीशन में क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना है। सो कैसे रिपोर्ट करना है इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपल से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, देन यहाँ से इसको ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट हमारा आ चुका है, इसको सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप कर देना है, डियर इंस्टाग्राम टीम, इनवाइट कोलैबोरेटर ऑप्शन इज नॉट कमिंग अंडर माय अकाउंट, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ माइन। आपको इतना यहाँ पे टाइप करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे एंड इसको यहाँ पे टाइप कर दोगे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेके पहले से ही रख लेना है। उसके बाद आपको गैलरी में जाना है और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आपको सिंपल से पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है, देन आपको सेंड ए रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस रिपोर्ट हो जाएगा। उसके 1 वीक बाद या 2 वीक बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप लोग अपने इंस्टाग्राम को डेली डेली अपडेट करते रहना ताकि ये आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। तो कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एंड इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।